हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप लोग? होप सो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अब ठीक हूँ मतलब मैंने जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने शेयर किया था कि मेरे हाथों पैरों में अब सूजन आ रहे हैं क्योंकि अब कुछ टाइम बचा है डिलीवरी के लिए। ये हालांकि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं था बट सेकेंड प्रेगनेंसी में है, तो खैर हाँ ये तो होता ही रहेगा क्योंकि अब ये मतलब एक प्रेगनेंसी का एक पार्ट होता है कि हाथों पैरों में सूजन आना बहुत नॉर्मल होता है। मैंने अपनी डॉक्टर से बात किया कि मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बट अभी कुछ नहीं कर सकते, ये 20-25 डेज मुझे निकालने पड़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं पुणे में कहाँ कौन से गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पुणे में नयन के टाइम से ही हूँ, तो अभी नयन को हो गया, नयन 4 साल 5-6 महीना का है, मतलब 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा ये नवंबर दिसंबर में। तो मैं जो पुणे में दिखा रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है। नयन के टाइम में भी मैं उन्हीं मैम से दिखा रही थी और अभी भी मैम के पास ही जा रही हूँ। उनका नाम है डॉक्टर मुक्ता रायते, जो कि कोथरूड में उनका क्लिनिक है और वो खुद सर्जरी भी करती हैं, ऑपरेट भी करती हैं 2 हॉस्पिटल में। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा तो किस किस हॉस्पिटल में है। तो ये मैम से ही मैं आप मतलब मैम का ही मतलब एक ब्लॉग लेके आऊँगी, मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो डालें मतलब एक ब्लॉग मतलब मेरे उसमें आके वीडियोस में। तो मैं आप मतलब कोशिश करूँगी आप ऐसा कमेंट करना तो कहाँ करती हैं मुझे हालाँकि पता है, लेकिन अगर आप लोग को डीपली जानना है तो प्लीज़ आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं या आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा तो मैं मैम से आप लोगों का बात जरूर करवाऊंगी। तो ये कोथरूड में मैम बैठती हैं, डॉक्टर मुक्ता रायते, तो उनका क्लिनिक का नाम है रायते क्लिनिक जो कि कोथरूड में है। और तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मतलब मैम का कैसा रहा, मतलब मैं एक रिव्यू वीडियो बना रही हूँ कि अभी तक थॉरली मेरा तो ये सेकेंड प्रेगनेंसी है और मतलब हमने बस 2 चाइल्ड के लिए सोचा था, ये मेरा अब प्रेगनेंसी जर्नी अबाउट टू क्लोजर पे है। तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ मैम का एक्सपीरियंस, मतलब मैंने 2 प्रेगनेंसी थ्रू आउट मैंने मैम से दिखाया, बहुत अच्छी मैम, हम्बल हैं, बहुत काम है, मतलब आप मतलब हर प्रॉब्लम को बहुत ईजिली टैकल करेंगे, ऐसे नहीं कि आपको हाइपर कर देंगी, नहीं, बहुत ईजिली बहुत स्मूथली रहा मेरा ये मैम के साथ वाला सफ़र जर्नी। कुछ भी प्रॉब्लम भी आया मैम ने उसे बहुत कामली एंड पेशेंस के साथ मतलब हैंडल किया है। हालांकि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जैसा कि मैंने आपको बताया अपने और भी वीडियोस में, आप देखना प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने बताया कि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बीपी हाई लो, फिर स्पॉटिंग का प्रॉब्लम आया था, वो 5th मंथ में मुझे स्पॉटिंग अचानक से होने लगा था। तो इन सब चीज़ों का मतलब मैं हम लोग बहुत पैनिक हो गए, ऑब्वियसली जो चीज़ आपके साथ हुआ नहीं है, जो पता है आपको कि थोड़ा रिस्क मतलब डाल देता है, रिस्क मतलब होता है प्रेगनेंसी में, वो आपके लिए कंसर्निंग फैक्ट हो जाता है। लेकिन इस कंसर्न जो था हमारा, इसको मैम ने बहुत इजीली बहुत मतलब स्मूथली हैंडल किया और इन्फेक्शन हुआ, ये तो नॉर्मल है, इन्फेक्शन वगैरह जो भी हुआ मतलब थ्रू आउट ये इस प्रेगनेंसी में मैम ने बहुत इजीली किया। तो अगर आप लोग भी अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट मतलब चाहते हो कि मतलब अगर मतलब एक क्वेश्चन है कि किस गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाऊं जिसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकेंड भी है या जो भी थर्ड है जैसा भी है, तो आप अगर पुणे में रहते हो तो आप बेस्ट है, आप एक बार मुक्ता रायते को ज़रूर आप सर्च करो गूगल में। और प्रैक्टोमेन का अपॉइंटमेंट बुक होता है मैम का बहुत ईजीली, तो आप प्रैक्टो से बुक करके जा सकते हो। तो जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो मुझे 5 से 6 दिन हुआ था पुणे आए हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये पता चला कि ऐसा ऐसा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ अभी, मतलब किस डॉक्टर के पास जाऊँ। तो कुछ पुणे का सब कुछ नया था, ये सिटी हमारे लिए नया था, तो मैंने बस गूगल में सर्च किया कि बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन पुणे, रिव्यू 2-3 डॉक्टर का चेक किया तो मुझे मुक्ता रायते का सबसे ऊपर मिला और रिव्यू बहुत अच्छा मिला। जो मैं बता रही हूँ आपको ना, सारे रिव्यूज़ आप खोल के देखोगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा मुक्ता रायते का। तो मैम का देखा मैंने, प्रैक्टो में ही आ रहा था अपॉइंटमेंट बुक करने का, बुक किया और चले गए।
तो उसके बाद बस ऐसा ही रहा। तो अगर आप लोग को भी बुक करना है तो डायरेक्ट आप बुक कर सकते हो प्रैक्टो में आराम से, मतलब सारे स्लॉट्स रहते हैं, आपको जो स्लॉट पसंद है उस स्लॉट में आप बुक कर सकते हो। तो बस गाइस अभी ये मेरा अब लास्ट ये चल रहा है ट्राइमेस्टर, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर का एकदम लास्ट कुछ डेज बच गए हैं। तो अभी हम लोगों को कुछ दिन, मतलब 4 to 5 days बाद डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड करवा के मैम को दिखाना है, एक डेट लेना है और फिर मेरा ओटी होगा, तो मतलब सी सेक्शन ऑब्वियसली। तो डर तो लग रहा है, डर के साथ एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और डर इसलिए है क्योंकि मतलब लाइक होता है ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको पता हो जाता है कि किन चीज़ों का मतलब आपको सामना करना पड़ता है, किन चीज़ों से आपको होके गुजरना पड़ता है। तो बस ये सब कि मतलब ठीक है चलेगा, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है और मेरी मम्मी भी आने वाली है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ डर अभी एक्साइटमेंट में चेंज हो रहा है। डर तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ये खुशी है कि चलो आफ्टर डर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा मेरे हाथ पे। तो चलो ठीक है गाइस, तो बस मुझे यही शेयर करना था। अगर हो पाया, मैं अरेंज करवा पाई, तो मैं मैम को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे वीडियो में आके ज़रूर कुछ बोले। तो ऐसे आप YouTube पे भी सर्च करना डॉक्टर मित्रा रहते, ऐसे है नहीं वो एक्टिव, बट एक आध वीडियो कहीं से आपको मिल जाएगा। तो ठीक है गाइज, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मैम के बारे में तो आप कॉमेंट कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है डॉक्टर मुक्ता रायते, देखिए खुल के आ जाएगा ऐसे। तो फिर देखिए प्रैक्टो का आ रहा है डॉक्टर मुक्ता रायते, फिर यहाँ पे आप जाके क्लिनिकल विजिट आता है, वहाँ पे व्यू अवेबिलिटी देख लीजिए कौन कौन सा स्लॉट है, और उसके बाद ये देखो ऐसे स्लॉट खुल के आएगा। तो अभी पूरा मतलब 10-12-15 दिन का आ जाता है खुल के, तो ये पूरा 26 तारीख तक दिख रहा है अवेबिलिटी। तो उसके बाद फिर आप अपने हिसाब का बुक करके आगे प्रोसीड कर लीजिएगा।